मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें हमारे जीवन के विभिन्न रहस्यों के बारे में बताते हैं। हम अज्ञान हैं, हम नादान हैं, हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। हालांकि अक्सर हम बोला करते हैं कि हम सत्य जानते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा है। विशेष करके जीवन के विभिन्न रहस्यों के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। यरमियाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 33 उसी वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अज्ञान है, रहस्यपूर्ण है। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें हमारे जीवन के रहस्यपूर्ण बातों को समझा देते हैं। यह क्या है और इनका क्या अपराध है, यह न्याय है या अन्याय है। प्रभु यीशु के दुखभोग के बारे में संत पेत्रुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में इस प्रकार लिखते हैं, बहुत सुंदर वचन है। संत पेत्रुस कहते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गालियां दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। तो पेत्रुस प्रभु यीशु मसीह के दुखभोग के बारे में बताते हैं कि वे निष्पाप थे, निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया गया था, उन्हें सजा दी गई थी, उन्हें दंड दिया गया था, उन पर अत्याचार किया गया था, उन पर गालियां बरसाई जा रही थी, उन पर थूका जा रहा था, उनका वस्त्र उतारा जा रहा था, वे क्रूस पर लटकाए गए, तब भी उनके मुंह से गाली नहीं निकली, धमकी की बात नहीं निकली। प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्याय करता है। उन्होंने अपने आप को उस पर छोड़ दिया जो न्याय करता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी जब दुख और पीड़ाएं आती हैं, उस समय हमें भी अपने आप को उस पर छोड़ देना होगा। यह विश्वास का प्रमाण है कि हालांकि मुझे दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन वह जिस पर मैं भरोसा रखता हूं वो सब कुछ देखता है। यह प्रभु पर भरोसा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं सताया जा रहा हूं, मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, लेकिन मेरा प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु यीशु मौन रहे,